ये है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइटल है, फंडिंग एजेंसी का नाम है, बजट है और ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज रिसर्च सेमिनार फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस का, ये मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग अगर चाहेंगे लिस्ट ये सारी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जो भी आप बोलेंगे आपको मिल जाएगी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बजट कितना है, कौन कौन सी फंडिंग एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या हैं, सब पूरा ए टू जेड इसमें लिखा हुआ है, इनके लिंक, इनको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे फाइल बनाना है, वो सब फॉर्मेट पूरे सारी ए टू जेड चीजें, कपार्ड है, नबार्ड है, ये सब हैं, ठीक है, ये सारी छोटी छोटी सी हैं एजेंसीज और ये इनके बजट है, ठीक है। तो आप डिसाइड ये करिए कि आपको किस फील्ड में काम करना है, हेल्थ सेक्टर में काम करना है, पहले नंबर पे अपना चूज करना है एरिया, ठीक है, छोटे छोटे से हैं, करोड़ों के हैं, ये 15 करोड़ का है, ये 52 करोड़ का है, ठीक है, ये लाख लाख के हैं, छोटे छोटे से भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब हैं, ठीक है। एक और वीडियो देखते हैं अभी हम। ये वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पे आपको काम करना होगा, इनके बारे में आप बोलेंगे तो मैं अलग से जानकारी दे दूंगा पूरी। ये MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस वेबसाइट पे बहुत अच्छे से काम करना होगा। MCA के बारे में अगर सुना है तो ठीक, नहीं सुना तो इस पे आपको बहुत सारा वर्क करने की जरूरत है, क्या करना है कैसे करना है वो हम आगे डिसाइड करें, ठीक है। ठीक, अब आप लोग बताइए क्या क्या चीज है, आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले नंबर पे तो आप बात कीजिए कि आपको क्यों मिलेगा, बिजनेस के इनकम्स हो गए, आपके रूल्स ऑफ सक्सेस हैं, फॉलो अप आपको कि आपको अधिकारी से कैसे फॉलो अप करना है, कैसे कॉल करना है, मेन चीज फॉलो अप है, वहीं पे आपका 100% पैसा होता है। इसके बाद अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे, प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कितने लिंक कैसे प्रोवाइड होगा और हाँ और विदेश यात्रा है ना, फ्री ट्रेवल, फ्री ट्रेवल भी होता है एनजीओ से, 21 वेज हैं जो आप विदेश में फ्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक। तो विदेश में फ्री यात्रा कैसे करेंगे, अपनी टीम कैसे बनाएंगे, कितने लोगों के पास टीम है, नहीं है, टीम बिल्डिंग करना है, फाइल रेडी करना है। अब जो क्वेश्चंस हो वो थोड़ा सा आप उसमें डाल दीजिए चैट में, तो मैं उन्हीं चीजों को अच्छे से और क्लियर करूं, देख लूं कि कौन कौन से थे आपके टॉपिक पॉइंट, वही मैं कवर कर रहा हूं कि नहीं। मैसेज कर दीजिए चैट में, आप लोगों ने जो फाइल रेडी की है, आप लोगों के पास जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पूरी पूरी फाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, पूरे फाइल, उसमें जो रजिस्टर्स हैं आपके पास, कितने टाइप के आपके पास रजिस्टर्स हैं, उसकी पूरी डिटेल होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, आपका एजेंडा है, एजेंडा और आपकी कार्यवाही रजिस्टर नहीं होगा, वो होना जरूरी है, ठीक है, इस तरीके से होगा वो। जितने भी मेंबर्स हैं आपकी डेली मेंबर्स की मीटिंग कब कब होती है, वो पूरे रिकॉर्ड्स होना आपके पास जरूरी है, ठीक है। ऐसे फाइल होंगी पेपर्स में, ये सब मैं आपको देने वाला हूं, ये प्लेबुक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें, ठीक है, कैसे करना क्या करना, पूरे पूरे प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक।
ये इतने मोटे मोटे ऐसे बनते हैं सब, आप दो दो पेज की आप फाइल लेके आते हैं, आप लेके आते हैं दो दो पेज में बस हमको फंड चाहिए, दो पेज में नहीं मोटे मोटे प्रोजेक्ट बनते हैं, पूरी बैलेंस शीट होती है, पूरा सब इसमें एजेंडा होता है, आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, है ना, रिजोल्यूशन होते हैं आपके, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप डिसाइड करिए पहले नंबर पे तो कि एक थीम, कि आप किस थीम पे काम करेंगे, फिर उस थीम से रिलेटेड आपको क्या करना होगा, उस थीम से रिलेटेड आपको डिपार्टमेंट को फॉलो करना होगा, और फॉलो अप कैसे करना है, फॉलो अप 365 डे का दे रहा हूं मैं, 365 डे का, 365 डे मतलब साल भर डेली बदल बदल के कैसे फॉलो अप करेंगे अधिकारी को, और अधिकारी को कुछ लगेगा भी नहीं, मतलब वो माइंड भी नहीं करेगा कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, और बड़े आराम से, ये नहीं कि रोज रोज फोन करके पूछ रहे सर फंड कब मिलेगा, फंड कब मिलेगा, क्योंकि और डील को क्लोज करना, यहाँ पे आपको तीन स्किल्स सीखने की जरूरत है। सबसे पहले नंबर पे प्रेजेंटिंग, अपने आप को प्रेजेंट करना, कम्युनिकेट अच्छे से करना, शो करना, कन्विंस करना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट हो। पहले नंबर पे तो पता ही नहीं कि जाना कहाँ है कहाँ, तो उसके लिए पहले नंबर पे आप डिसाइड करिए कि किसके लिए काम करते हैं आप, एजुकेशन के लिए, किस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, फिर उसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाएंगे, गवर्नमेंट फंडिंग आप कर रहे हैं नहीं तो क्राउड फंडिंग में, बहुत सारे वेज है, बहुत तरीके हैं, कमी नहीं है दुनिया में किसी भी चीज की। अब आप देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप नोट करना चाहें नोट कर लें फटाफट फटाफट फटाफट, और नहीं तो मैं इसको वो दे दूंगा। आप कौन कौन से ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस आपको पता है ना कि कौन से ऑफिस में आपको जाना है, कौन से ऑफिस में नहीं जाना है, कौन सी एजुकेशन है, कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, आप बजट आपने बनाया, अपना बजट, बजट नहीं है आपका, कितना बजट है आपकी, एनुअल रिपोर्ट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, अकाउंट्स आपका कौन देखता है, आप कौन सी सरकार से फंड लेंगे, राज्य सरकार से लेंगे कि केंद्र सरकार से लेंगे, पहले ये डिसाइड करिए। मतलब जैसे आप यूपी में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार है, तो आप योगी सरकार से लेंगे या केंद्र में बैठे मोदी सरकार से लेंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है कि राज्य सरकार में आप काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, या किससे कोलैबोरेट कर रहे हैं आप, ठीक है। सीएसआर फंड कर रहे हैं तो वो प्राइवेट फर्म से होंगे, गवर्नमेंट फंड है वो अलग है, ये समझना। अब विभाग कौन कौन से हैं वो देखिए, स्थानीय निकाय आपको मालूम है कि कौन कौन से होते हैं जो आपके आसपास के होंगे, दानशील व्यक्ति हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय हैं, समाज कल्याण विभाग है, केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण विभाग है, नबार्ड है, अवार्ड है, सिडबी है, मानव संसाधन, ये पूरी पूरी लिस्ट है ये। ये पूरी लिस्ट होती है ना, तो कौन से विभाग में आपको जाना है ये डिसाइड करना है। जैसे आप अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं तो फिर माइनॉरिटी का विभाग बस पकड़ लीजिए, बस एक आप डिपार्टमेंट पकड़िए वहीं से आपका काम होगा, ठीक है। रजिस्टर कितने होते हैं आपके, रजिस्टर कितने हैं जरा हमको इसमें चैट में बता दीजिए, कितने कितने रजिस्टर आप लोगों ने मेंटेन कर रखे हैं। हाँ जी, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं आपके पास, अधिकारी मांग देगा डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो पहले नंबर पे आप डिसाइड कीजिए कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है, फिर उसके डिपार्टमेंट को पकड़ेंगे, ठीक। फिर उसको कैसे करना है वो अगला स्टेप। आपके पास 4 से 5 रजिस्टर होने चाहिए और उसमें सब सब इस तरीके से ऐसे पूरा पूरा उसमें सब लिखा हो, डे बाय डे का, ये डेट बाय डेट, किस डेट में कितने लोग थे, क्या क्या हुआ, कितने लोगों ने क्या क्या कहा, उसमें क्या लिखा गया है, साइन होंगे सबके, सबके साइन, फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आप सिर्फ अपना नंबर लिख के भेजते हैं, कोई आपसे कॉन्टेक्ट करेगा तो कैसे करेगा,
सबके जितने मेंबर्स हैं उनके सबके फोटो, आधार कार्ड, कॉन्टेक्ट नंबर, सब। ऐसे नहीं होता, हेलो, वन मैन आर्मी नहीं होता शो, है ना। और मेंबर्स अपने बढ़ाइए, वॉलेंटियर बढ़ाइए आप देश विदेश तक में। तो कैसे आप ऐसे ऐसे वॉलेंटियर आप कैसे बनाएं जो आपके कहने पर दीवार फांद जाए, आपके कहने पर दीवार तोड़ दें, आपके कहने पर अपनी जान तक दे दें। तो ऐसी टीम कैसे बनेगी? ऐसी टीम बनाना है, अगर टीम बनाना है तो टीम बिल्डिंग वाला करना पड़ेगा, है ना। अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। ये ह्यूमन राइट्स है इंटरनेशनल, इसको इसको ज्वाइन करिए, फ्री में मिलता है यहाँ पर से, बहुत सारा सामान मिलता है, जाना पड़ता है। ये है लॉस एंजल्स, ये अपना फ्री मटेरियल देते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम सेमिनार कराने के लिए, एड भी देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं, लेटर देते हैं आपको, ये लेटर है, सीडी देंगे ये आपको, और ये बुलाते भी हैं अपने यहाँ पे मीटिंग में। तो कैसे जाना है फॉरेन कंट्री में, कैसे करना है, क्या करना है, मेंबर बनना है इसका, ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर इंडिया में काम होगा इसका, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है आपका, ये इतनी मोटी फाइलों में होता है, ज्यादा से ज्यादा मोटी फाइल में, ऐसे नहीं दो पेज में नहीं, पूरा ए टू जेड। इसको अभी आप देख लीजिए एक बार कि क्या क्या चीजें होती हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल में। ये होता है प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए आपका, कवर होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल होना चाहिए, प्रोफार्मा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियर फॉर्मेट होना चाहिए, टेक्निकल डिटेल्स होना चाहिए, बजट एस्टिमेटेड होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, बायोडाटा प्रोफार्मा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, डिक्लेरेशंस होना चाहिए आपके पास, रेजोल्यूशंस होना चाहिए आपके पास, शिपिंग लेबल होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप प्रोजेक्ट जो आप लेने जा रहे हैं, तो आपके पास एक प्रॉब्लम हो और उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन हो कि ये समस्या है आपके एरिया में और आप उसको ऐसे करके ऐसे सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको गवर्नमेंट और वो सारे लोग फंड देंगे। उसको आपको बताना होगा कि इतने फंड को, 20 लाख रुपए को आप कैसे खर्च करेंगे, तो उसका पूरा का पूरा ये बजट एस्टिमेट, पूरा बजट एस्टिमेट होना चाहिए कि हम ये 20 लाख रुपए ले रहे हैं, इसको कैसे, ये पूरी बैलेंस शीट, ये आपको मालूम है ऑफिस की लैंग्वेज अलग होती है ना। ये आपके प्रोग्राम्स, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट है, फॉरेन फंडिंग के लिए आपको ये प्रोग्राम्स हैं, फॉरेन फंडिंग के ये हैं। तो प्रोजेक्ट आप बताइए, जो सा आप बताइए वो मैं दिलवा दूं। ये सीएसआर फंड्स हैं, सीएसआर फंड, एससीएल फाउंडेशन है, ठीक है, एसबीआई फाउंडेशन है। लोग अक्सर बोलते हैं सर एसबीआई से नहीं मिल पा रहा है कुछ, मिलेगा कैसे मिलेगा, ऐसे थोड़ा ना मिलेगा, है ना, ऐसे नहीं मिलता। ये वेबसाइट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक। ये कोरोना प्रोजेक्ट्स हैं, कोरोना प्रोजेक्ट्स अगर चाहिए हो तो कोरोना प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। ये आपके गवर्नमेंट एड, ये गवर्नमेंट के ये आपको मिलेंगे। देखिए गवर्नमेंट फंड्स हैं, सीएसआर फंड हैं, फॉरेन फंड है, और कोविड-19 फंड है, ग्रांट। ये चार ग्रांट के बारे में हमने बात की है, इन पे विस्तार से हम रोज बात कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, कल बताएंगे, कल कर लेंगे, जब आप बताएंगे तब कर लेंगे, ठीक है। ये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के 11 प्रोजेक्ट्स हैं, सीएसआर के 7 प्रोजेक्ट्स हैं, फॉरेन फंडिंग के 7 प्रोजेक्ट्स हैं, जो अभी अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, आज आप फाइल कर सकते हैं इनको। कोविड-19 के 5 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अंडर है FCRA और CSR, कोविड-19 इमरजेंसी ग्रांट प्रोजेक्ट्स। ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, ये CSR फंड है। SCL फाउंडेशंस पे मिलेगा एनवायरमेंट के लिए, ONGC पे मिलेगा हेल्थ मोबाइल, ये क्या लिखा है,
चल क्लिनिक मेडिकल के लिए मिलेगा, अप्लाई अभी कर सकते हैं आप। एसबीआई फाउंडेशन में है, हेल्थ कम्युनिटी सर्विस। देखिए पहले आप डिसाइड, मैंने आपसे कहा आप डिसाइड करिए आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, ये चीज पहले डिसाइड करिए। हंस फाउंडेशन है ये, यहाँ पे मिलेगा आपको ये। ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं ये, NBCFDC। मैं इनके लिंक और सारी चीजें दे दूंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं। वेरियस एजेंसीज हैं जहाँ पे आपको एनवायरमेंट और कंजर्वेशन पे मिलेगा, पॉवर्टी हंगर और ये मेल न्यूट्रिशन, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस ठीक है। तो अब आप जो चीज पे काम करना चाहें उस चीज पे आप काम कर सकते हैं। ठीक, बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई भी चीज हो, अब सुमित अब आए हैं, पूरा प्रोग्राम हो गया अब वो एडमिट मांग रहे हैं, मैंने मैंने दे दिया अलाउ तो सुमित अब हो रहे हैं कनेक्ट, तो ठीक है। अब आप डिसाइड करिए पहले नंबर पे कि कौन सी आपकी टारगेट है, ऑडियंस किस पे आपको काम करना है, फिर कौन सा आपको डिपार्टमेंट कवर करना है। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे। फॉरेन टूर, टूर पे भी आप जा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, 14 तरीके हैं। वॉलंटियर बनके, कोई लैंग्वेज अगर आती हो तो लैंग्वेज सिखाने के लिए दूसरे एनजीओ से जुड़ के, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए एसबीआई फाउंडेशन से, हाँ क्यों नहीं, क्यों भाई, देखिए आप यही तो मैं अभी देखिए, फिर आप देखिए, आप फिर देखिए, आप लोग देख ही नहीं रहे हैं, एक सेकंड रुकिए भाई। ये है सीएसआर फंड, ये सीएसआर फंड है, ठीक है। अब सीएसआर फंड में कैटेगरी देखिए, कैटेगरी कौन कौन सी है। एनवायरमेंट पे मिलेगा एचसीएल फाउंडेशन से, मोबाइल क्लिनिक है ये, हेल्थ है, स्किल डेवलपमेंट है, ठीक। ये है अभी एजुकेशन के लिए, यहाँ पे नहीं है एजुकेशन के लिए, नहीं है नुजत जी, एजुकेशन के लिए नहीं है। सैफ साहब अब आए, हो गया सब, ठीक है, ये सब ले लीजिएगा, मैं ये दे दूंगा। एजुकेशन के लिए वहां पे नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए और जगह, अभी ये मैंने सिर्फ 5 नाम दिए हैं, 5, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां कितनी होती हैं, जैसे मुंबई में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे कितनी कंपनियां होंगी, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद से अगर कोई है तो वो बताए, MIDC और वालुज में कितनी कंपनियां हैं, हैदराबाद से है कोई तो वहां पे देखें वहां पे कितनी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, तो वहां पे वो चीज, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 3 स्किल्स की जरूरत है कि आप जाएं और वहां पे मालूम करें कि सीएसआर फंड कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराती है। फिर वहां पे आपका आएगा क्लोजिंग स्किल कि आपको डील डन करना आना चाहिए, और क्लोजिंग के हम देते हैं 100 वेज कि आप डील 100% डन करोगे। डील डन करने का मतलब होता है कि आप जाओगे पैसा या कैश चेक में लेके वापस आओगे, इसको बोलते हैं डन, क्लोज द डील, डील को डन करोगे आप 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। वो 100+ स्किल्स देते हैं, और फिर होता है फॉलो अप, और फॉलो अप पहले भी होता है बाद में भी होता है, फॉलो अप बहुत जरूरी है, सक्सेस करना है तो फॉलो अप करना सीखना होगा कि कैसे फॉलो अप लेना है, फॉलो अप कैसे करना है क्रिएटिव वेज में, तो क्रिएटिव वेज में फॉलो अप लेना। हाँ, और एक चीज और मैं तो भूल ही गया, इन सबके साथ में रियल इस्टेट का बिजनेस भी है, वो भी रह गया था, एक और आ गए, सो के जाग रहे। तो रियल इस्टेट का है और टूर एंड ट्रेवल्स का है। तो अगर आप लोग जो भी हैं, जिस चीज में, मतलब जिस चीज में भी आप इंटरेस्टेड हैं, वो चीज पे हम बात कर लेंगे। नंबर सबके पास मेरा है, जिनके पास नंबर नहीं हो वो आपस में शेयर कर लीजिएगा, नहीं तो नंबर मेरा नोट कर लीजिए, नंबर है मेरा 7742959151। अब कल जो मीटिंग होगी, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 12,000, 21,000, 25,000, 50,000 ये सब लेवल्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ डायमंड वाला ज्वाइन करा है 299 का, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेकंड लेवल ज्वाइन करा है सिर्फ 1000 का, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 11,000 का पेमेंट कर दिया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 25,000 का करा है, जिन्होंने बहुत सारे हैं जिन्होंने 55,000 का किया है, कुछ हैं जिन्होंने 1,20,000 का किया है। तो जो जिसका पेमेंट है उस तरीके से
उसके लेवल्स हैं। अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, आफ्टर दैट वी विल डिसाइड, या यू विल डिसाइड व्हाट विल यू डू और व्हाट विल यू नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यू गेट समथिंग व्हेन यू गिव समथिंग, यू नेवर गिव, आप मतलब जब आप कुछ देते हैं तभी आपको मिलता है, बिना दिए नहीं मिलता है, है ना? यू गेट समथिंग व्हेन यू गिव समथिंग, जब आप कुछ देते हैं तभी आपको मिलता है, ठीक? तो आप देखिए क्या करना है कैसे करना है, फिर आप चाहेंगे तो मैं डेली 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 मीटिंग करूंगा। और कोई टॉपिक रह गया जो हमने बात की थी? कोई और चीज रह गई हो तो वो क्लियर कर दीजिए, पूछ लीजिए उसमें चैट में। मैं है ना कि क्या क्या है, ये हो गया इनकम फ्लोस। हाँ, और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ एक रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, दीपक गुप्ता, कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है लिख दीजिए। अरे वो 1280G वो अलग है, वो इश्यू अलग है। देखिए एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया है, हाँ, तो काम कैसे होगा, काम होता है कोलैबोरेट करके। कोलैबोरेशन एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं दूसरे के साथ जुड़ के, आपके पास कोई चीज है नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया दीपक जी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा किया आपने जो आपने पूछा। ये ऐसी जो सवाल हो वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीजें होती माइंड में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कोलैबोरेट एक वर्ड होता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड काम करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में काम करते हैं। तो वो जब पूरी दुनिया में काम करते हैं तो पूरी दुनिया में वो खुद थोड़ी ना जाते हैं काम करने, उन्हें चाहिए होती है टीम। तो वो लोगों से, छोटी छोटी संस्थाओं से कोलैबोरेट करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो छोटी छोटी संस्थाओं को कोलैबोरेट करती है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप छोटी छोटी संस्थाओं से कोलैबोरेट करेंगे, आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, ना अपने डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेंगे आपको, क्योंकि देखो कोई संस्था नहीं जाती है सामने। जैसे मेरी संस्था है तो मेरी संस्था थोड़ी ना जाएगी अधिकारी के सामने, ना मेरी संस्था जाएगी रोड पे काम करने। मेरा एनजीओ है तो मेरा एनजीओ रोड पे जाएगा काम करने के, मैं जाऊंगा काम करने? आप बताइए भाई, मेरा एनजीओ है, मेरी संस्था है, आपका एनजीओ है, आप जाते हैं मीटिंग करने के, आपका एनजीओ जाता है मीटिंग करने अधिकारी से। तो काम इंसान करते हैं, ह्यूमन करते हैं। यही तो सीखना है कि कैसे, यही तो समझना है, इसी चीज को समझना है कि कैसे आप लोगों से डील डन करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी पिच कैसी है, आप प्रपोजल कैसा देते हैं, प्रपोजल समझते हैं ना, मतलब आपने बात कही, इसको बोलते हैं सेलिंग स्किल। सेलिंग का मतलब होता है कि परसुएशन, निगोशिएशन, कम्युनिकेशन, ये आपको जरूरी है कि आप कैसे कैसे निगोशिएट करते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं सामने वाले को कि वो आप, यही तो, यही चीज सीखना है, इसको बोलते हैं सेलिंग स्किल। जैसे नौकरी के लिए मैं गया जॉब के लिए, और जॉब के लिए 100 उम्मीदवार हैं, तो 100 में से मुझे ही कैसे लिया जाए। मैंने सीवी भेजा अपना, रिज्यूमे मैंने भेजा जॉब के लिए, तो मेरा ही रिज्यूमे क्यों सिलेक्ट हो, ये होती है सेलिंग स्किल। ये सीखना जरूरी कि सारे रिज्यूमे छोड़ के कंपनी वाला मेरा, तो वो आपको जानना होता है वॉन्ट और नीड, के सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले की नीड क्या है, वॉन्ट क्या है, उसके ऊपर आपको प्रहार करना होता है, आपको समझना होता है कि सामने वाला चाहता क्या है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, अगर आप सीखेंगे, फॉरेन टूर है, बहुत सारी चीजें हैं, रियल इस्टेट है, आप अगर चाहते हो तो आप अपना वर्कशॉप, आप अपने यहाँ पे, आप अपने एरिया में वर्कशॉप आप लगाओ, और वहां पे वर्कशॉप मैं दूंगा आके, वहां पे सारी चीजें प्रोजेक्टर से होंगी और सब आपको दिखा दिया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, स्टेप बाय स्टेप। आज फर्स्ट डे था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज्यादा अगर कर दूंगा तो वो सब बाउंस हो जाएगा, है ना? तो नोट अगर कर लिया हो काफी सारी चीजें जो पॉइंट है या कुछ भी है, ठीक है? हाँ, तो जो भी चीज है वो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से अगर करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो चीजें आगे समझ में, तीन स्किल्स पे आपको मेन फोकस करना है। पहला नंबर है सेलिंग स्किल, दूसरा है क्लोजिंग स्किल, डील को डन करना, और तीसरा है फॉलो अप।
ये तीन स्किल्स में आपको महारत हासिल, मतलब आपको जो प्रपोजल लिखना है वो प्रपोजल ऐसा होना चाहिए, प्रपोजल प्रपोजल समझते हैं ना, मतलब मैं प्रपोज करूं किसी को तो वो हाँ बोले, समझ रहे हैं, जैसे मैंने मैंने किसी किसी को देखा है ना, ये एग्जांपल को गलत मत लीजिएगा लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं और अच्छे लोग हैं तो मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ बस, उसको उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं समझ गया ना, जैसे एक लड़की है और उसको 10 लोग प्रपोज करने आ रहे हैं, तो लेकिन वो 10 के साथ में थोड़ी ना शादी करेगी, वो किसी एक के, तो वो एक प्रपोजल कैसा होगा जिसमें वो यस बोले और वो भी आपको, तो वो चीज सीखना होती है, उसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग स्किल, ठीक है। ये बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये सीखना पड़ेगा कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे है ना प्रेजेंट करना है प्रपोजल। और एक सबसे बड़ी चीज, हाँ एक चीज और मैं भूल गया फिर से भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेस्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सक्सेस का पहला रूल है, अभी मैंने दिखाया था सक्सेस का रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, शो अप। 13 रूल है सक्सेस के, कितने रूल है, 13 रूल है सक्सेस के, कितने 13, कौन कौन से है नोट कर लीजिए अगर चाहें तो फटाफट, अब मैं सम अप करूंगा इसको। पहला है शो अप, शो अप मतलब दिखना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका आपका संस्था है, आपके ये आपकी संस्था है, ये पहला रूल है शो अप। दूसरा है 100% फिलॉसफी, फिर एटीट्यूड ऑफ सर्विस, गिव गिव गिव, लेने से पहले देना होता है, फोकस ऑन योर ड्रीम्स, एक्सरसाइज और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, आपका आप दिखते नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि सर आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स भेजिए, लोगों के पास सोशल मीडिया लिंक नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, फेसबुक पेज नहीं है, ट्विटर नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, जबकि आपको अपनी अपनी हर जगह फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हर जगह आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है, क्योंकि सक्सेस का पहला रूल है शो अप। शो अप मतलब दिखना, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको दिखना चाहिए क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या गतिविधियां हैं, वो सारी चीजें आपकी होना चाहिए। कहाँ, सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म और ये फ्री मीडियम्स है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, फ्री फ्री मीडियम्स, ठीक है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं इसको समअप कर रहा हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। हाँ, अगर सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है, नहीं बनाना है वो बनवा दूंगा मैं, चैनल मोनेटाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आपका, गारंटी से, वो भी विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर मोनेटाइजेशन, पैसे आना शुरू। तो इनकम के वेज हैं वो सारे लीजिए और करिए, ठीक है। 12वे और 80G के बारे में भी बताएंगे, वो सब आगे के स्टेप्स हैं। पहले पहले नंबर पे, पहला नंबर तो एक तैयार कीजिए, पहले एक थीम डिसाइड करिए कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, एक मंजिल होना चाहिए ना आपके पास। जैसे मुझे मुझे बॉम्बे जाना है, कहीं जाना है, तो वो एक मंजिल होगी, फिर उसका रास्ता होगा। तो वो चीज पहले डिसाइड करिए कि किस क्षेत्र में काम करना है ना, किस एरिया में जाना है, कैसे करना है। 12A और 80G होता है आपको टैक्स बेनिफिट्स के लिए। अगर 12A है तो आपको बेनिफिट है, और 80G है तो जो सामने वाला होगा उसको टैक्स में छूट मिलती है, रिबेट मिलती है, इसलिए होता है। जब आप किसी से डोनेशन लेते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, पैसा लेते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये संस्था एनजीओ ऐसा होता है जिससे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो 12A अगर आपके पास है तो आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और 80G है तो आप सामने वाले को क्या दे सकते हैं, उसको रिबेट दे सकते हैं, टैक्स में छूट, कर में छूट दे सकते हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आएंगी आपको ऐसी चीजें, ये समझना पड़ेगी, किसी लीगल बैठना पड़ेगा एडवोकेट के साथ में। 12A और 80G का सिर्फ ये रूल होता है, क्या रूल होता है कि आपको टैक्स में छूट मिलती है। 12A है तो 12A का मतलब है कि आपको छूट मिलेगी, 80G है तो 80G में अगर आप जैसे रसीद काट के देते हैं ना, आप जैसे आपके पास लोग आएंगे उनको आप रसीद काट के देंगे के फीस की आपने या कुछ भी, तो आपने जो काट के दी तो वो लगाएगा, अगर नौकरी पेशा वाला आदमी है तो वो अगर अपने टैक्स के लिए लगाएगा तो वहां से उसको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है 12A और 80G। FCRA, CSR, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक। तो रोज करेंगे थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 धीरे, एकदम से दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं इसको मीटिंग को समअप करता हूँ।
बाकी किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे करें। मैं कल भी मीटिंग कर सकता हूँ मॉर्निंग में अगर आप बोलेंगे, क्योंकि मैं आज सुबह से मीटिंग ही कर रहा हूँ, जितने भी मेंबर्स थे सबको अलग अलग डिवाइड करके सुबह से मीटिंग, और इसलिए मैं फोन का जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं मैसेज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ सुबह से मीटिंग कर। अब जैसे ऐसे मीटिंग कर रहा हूँ तो अब फोन करते रहेंगे बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे लोग लगेंगे फोन करने और घुसे रहेंगे, और वो इतना फोन करते मतलब 17-18 कॉल हमें, भाई एक बार में नहीं रिसीव हो रहा तो थोड़ा वेट। चलो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और एक वो शेर है मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, उनका है एक बहुत अच्छा, हाँ ये वो उनके स्टेटस पे था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कीमती है सिक्के, ईमान सस्ता है, यहाँ रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। मैंने सोचा है कि मैं उनसे इजाजत दे लूंगा, और ये अगर उनका है तो मैं इसको हर वीडियो में बोलूंगा, बहुत जबरदस्त शेर लगा मुझको ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ने अपना कीमती वक्त दिया, आप लोग ने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेक्स्ट मीटिंग में, वीडियो की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, शुभ खैर। थैंक्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।